क्या प्लेऑफ में लखनऊ सुपर जायंट्स को बुरी तरह धूल चटाने मुंबई इंडियंस की खतरनाक प्लेइंग 11 हुई घोषित। मुंबई ने अपनी टीम में कर दिए हैं 3 बड़े बदलाव, जो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2023 का एलिमिनेटरी मुकाबला खेला जाएगा, जो कि आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। ऐसे में मुंबई चाहेगी इस बड़े मुकाबले को जीतकर आईपीएल 2023 के फाइनल के राम में उतरने वाला है। तो मुंबई इंडियंस को अपने प्लेइंग 11 को लेकर पूरी तरह से तैयार है और चेन्नई के पिच को देखते हुए प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर दिए है। साथ ही इंपैक्ट प्लेयर कौन होंगे तो पूरी प्लेइंग 11 बताएंगे। उससे पहले आप भी है मुंबई इंडियंस के कट्टर फैंस, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2023 का एलिमिनेटरी मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला 24 मई को शाम के 7:30 बजे से चेपॉक में लाइव होने वाला है। इसमें मुंबई ने इसकी खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। या प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। या रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में काफी ताबड़तोड़ पंजाब में बैटिंग की थी, वही ईशान किशन लगातार काफी शानदार फॉर्म में बने हुए हैं। तो वही 3 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देखने को मिला है और कैमरून ग्रीन अब 3 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ शतक जड़ा था। वही 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं, जो काफी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनसे यही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। तो वही 5 नंबर पर नेहाल वदिरा या फिर तिलक वर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा जाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर तिलक वर्मा इस मैदान पर उतरने वाले है और मुंबई को जीत दिलाने वाले है। साथ ही अगले खिलाड़ी टीम डेविड होने वाले है, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए काफी शानदार बल्लेबाजी की है और अच्छी खासी फिनिशर की भूमिका निभाई है। साथ ही अगले प्लेयर आकाश मधुवाल होने वाले है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 4 शानदार विकेट उखाड़े थे। मुंबई इंडियंस के लिए काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही अगले प्लेयर जेसन बेरेनड्रॉप होने वाले हैं, इनसे काफी शानदार गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी और मुंबई इंडियंस को पावर प्ले में विकेट चटका कर देने होंगे। तो वही अगले प्लेयर पीयूष चावला होने वाले हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट उखाड़े हैं और उनसे यही गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। साथ ही चेन्नई के पिच के लिए पूरी तरह ऋतिक शौकीन तैयार है और साथ ही लखनऊ में काफी ज्यादा लाउड टेंडर है, तो ऋतिक शौकीन इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले है। इसके अतिरिक्त अरशद खान, रायली मेरेडिथ, देवाल ब्रेविस, कुमार कार्तिक, इनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मुंबई इंडियंस इस मैदान पर उतार सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच फाइनल होगा या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।